नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमड एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं जल शक्ति विभाग में रिक्रूटमेंट होने जा रही है। 4 पोस्ट हैं इसमें पैरा पंप ऑपरेटर की और 16 पोस्ट हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर की। यह है प्योरली पार्ट टाइम और आर्ली बेसिस पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए वाटर सप्लाई इरीगेशन स्कीम अंडर जल शक्ति डिवीज़न। ये पूह की वैकेंसी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है पूह, वहाँ की वैकेंसी है। और जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपने 13/8/2021 से पहले पहले अपनी सबमिट करवा देनी है, 5 शाम के 5 बजे से पहले पहले। और इसके बाद जो भी एप्लीकेशंस मिलेंगी या इनकम्प्लीट होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। और ऑफिस का आप देख सकते हैं जो एड्रेस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GSD पूह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर HP। 13/8/2021 से पहले पहले अपनी, जिनको इसके लिए अप्लाई करना है वो अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो ये है, इसमें नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट होम एड्रेस, एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, बोनाफाइड हिमाचली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 8वीं चाहिए आपको, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर है वो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो भी है आपका इसके मिलता जुलता वो भी आप लगा सकते हैं। अगर BPL से हैं तो BPL का आप बता सकते हैं येस या नो, डेट ऑफ, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपने साथ लगाने हैं सेल्फ अटेस्ट करके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना है, मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका 10वीं 8वीं का सर्टिफिकेट है वो लगवाना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI का हो, पैरा पंप ऑपरेटर के लिए चाहिए अकेला, और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए नहीं चाहिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। BPL सर्टिफिकेट आपका साथ में लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है वो साथ में लगा सकते हैं, SC ST OBC का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। और नीचे अपने साइन करके आपने जल शक्ति डिवीज़न पूह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एड्रेस पे ये अपना जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के काम आ सके। धन्यवाद जी।